हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर इज ₹5500। एक सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ एक तार बिछाना है, मतलब फेंसिंग मतलब बाउंड्री में कोई तार बिछाना रहता है और उसका रेट है 1 मीटर तार का ₹25। तो टोटल बाउंड्री पे तार बिछाने का जो चार्ज बन जाता है, कॉस्ट होता है, वो ₹5500 हो जाता है। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फील्ड में पूरा प्लगिंग करवाया जाता है, उसका रेट है 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, तो पूरे फील्ड को प्लग करने का कितना कॉस्ट होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फील्ड में पूरा कितना कॉस्ट होगा, पहले फील्ड का एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फील्ड का, इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, पूरे में बाउंड्री पे फेंसिंग करने का इसको चार्ज कितना आता है, वो दिया हुआ है 5500 और रेट ऑफ फेंसिंग है ₹25 पर मीटर। तो सर्कमफेरेंस, इससे क्या होगा, पूरा सर्कमफेरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई रेट। तो टोटल कॉस्ट हो रहा है 5500 और रेट दिया हुआ है 25, तो 25 से 2 बार में कट गया 50, बच गया 50, तो अगेन 2 बार में और 0, तो ये आ गया सर्कमफेरेंस, आ गया 220। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr इक्वल टू 220, तो 2 × 22/7 × r = 220। यहाँ से रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू 220 × 7 ऊपर चला गया और 2 × 22 ये उठ के नीचे आ गया, तो 22 से कट जाएगा 10 बार में, तो 7×10 = 70/2, तो रेडियस इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, तो इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस हमें पता चल गया 35 मीटर। अब एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 × 35 × 35, 7 से कट गया 5 बार में, 22 × 5 ये हो गया 110 × 35। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385 और 10, तो 3850 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, अब कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू रेट, तो एरिया है 3850 और जो रेट दिया हुआ है 50 पैसे दिया हुआ है, तो उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 की जगह हम 1/2 लिखेंगे, तो अब जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा। अगर हम यहाँ 50 पुट कर देते तो आंसर आ जाता पैसे में, तो डायरेक्ट यहीं पे रेट की जगह 1/2 लिख दिए, तो इतना रुपीज़, तो 2 से कटेगा 219 × 38, फिर 192 0 192 105, जो पूरा कट गया शायद 1925 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा प्लगिंग का 1925 1925 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।